maybe. Suraj, we have seen that in past, whenever you receive awards, you get a wee bit emotional. So, how would it be? Because the journey has been tough. It's not easy being an actor. You know, I thought it would have been easy, but it's so tough. And being on that stage and getting an award with the entire family there, it's just a good feeling, you know. So I don't know. And I'm a very real person, so whatever I feel, it just comes out. I'm just real, so maybe I can't hold back my emotions, so it comes out. Salman Khan will be the showstopper at the main event. So anything that you want to say about tonight? I don't know. I don't know. I don't know. I pass aaya nahi. No, we are telling you that's yeah. So it's confirmed for sure. So any reaction from those? Salman sir, well, I'm sure it'll be cool. Yes, of course. I did not refuse any film. The thing is that we are talking about two projects and both were clashing on the same date. Clashing on the same date. So I had to obviously choose one film. But both were offered to me by TCDs. So I did not. That you ask Bhushan sir. It's not confirmed yet. We're still seeing. When can we expect an announcement? Hopefully within a month or two. You have not refused anything, right? साहब का
तो कैरेक्टर मैं अभी तो मैं उनके प्यार में हूँ, उनके कैरेक्टर के प्यार में हूँ। जो फिल्म का की हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सीखने के लिए मिला मुझसे। सर लास्ट टाइम आप बजरंगी भाईजान में देखे थे, इस बार रेस में देखेंगे, खबर है कि रेस और सुल्तान के शायद क्लैश हो सकता है बॉक्स ऑफिस में, तो क्या कहना चाहिए? ये तो प्रोड्यूसर्स ही बताएंगे, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। कौन सी फिल्म का? एक बदलापुर का एक फिल्म का डायलॉग है, वो सुना देता हूँ। वो डायलॉग ना जो बालकनी पे होता है वो, तो वो ये है कि मैं खूनी हूँ, मर्डर किया है मैंने, अगर इसको हाथ लगा दिया ना तो फिनिश कर दूंगा, गुड नाइट। क्या हो जाए? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हम तो सोचे थे भगवान, भूल गया हूँ। किक का कौन सा? मुझे मैं भी अच्छा वो शरीफ तो हम भी बहुत थे, पर शराफत से अपनी कभी बनी नहीं। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। जी अभी मैं जस्ट रईस की शूटिंग ही करके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इस साल उम्मीद की जा रही है कि बहुत उम्दा फिल्म बनेगी। सर शाहरुख खान के साथ पहली बार आप पर्दे पे आने वाले हैं, तो कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, इतना एक्सपीरियंस है उनको, और जब सेट पे होते हैं तो बहुत हम्बली और बहुत ही अच्छे एक एनवायरनमेंट बनता है जिसमें काम किया जाता है। सिमिलैरिटी हर एक्टर का अपना अपना एक अलग तरीका होता है काम करने का, कंपैरिजन तो कुछ नहीं की जा सकती। दोनों महान हैं, दोनों सुपरस्टार हैं, और काफ़ी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है कि इतने सालों से सस्टेन कर रखा है अपने आप को, तो ये मेरे लिए सीखने वाली बात है। I've only shot a few days yet. I'm excited. We are going to resume shooting in a week. Okay. Have you met Aishwarya? Do you have scenes with her as well? Opposite? I don't know. I have scenes with her. Okay. Yeah. I mean, alright. Okay. So. Satisfied with the awards. I don't know about the nomination right now, but I won an award. My first award for this season came from Masan. I don't know if I'm allowed to name the publication here, so I'll leave it. Lots. I think 2016 is going to be busy. Sarabjit, Cabre, Jia, or Devdas. Yes.
Acha, what are the other projects we will be seeing you this time? I just told her, or Devdas, Sarabjit, Jia or Jia and Cabin. I started getting ready in 1986 and I'm wearing Gaurav Gupta. Thank you. Thank you. नमस्कार। हाय हाय, इनकी पेटलून चेक करो, क्या पेटलून है आपकी? सोबर रियली? मैं वेलवेट पहना है यार, मैंने वेलवेट सूट। दिस इज नॉट इनफ। ये एक कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर, और मेरी पर्सनालिटी इतनी कलरफुल है, और कितने कलर चाहिए आपको, और कितना कलर चाहिए? ऑफ माय मूवी। हाय मनीष पॉल आ गए हैं होस्ट हमारे आज रात के। आई थिंक उन्होंने भी वेलवेट ही पहना है। वेलवेट से याद आया, पिक्चर की बात करते हैं। जो पिक्चर मैंने की है बाजीराव मस्तानी, आपने कहा आपको डायलॉग सुनना है, डायलॉग सुनना है, कौन सा डायलॉग सुनेंगे आप बताइए? मैं तो जूक बॉक्स हूँ, मैं तो चलता फिरता जूक बॉक्स हूँ। कुछ गा के सुनाइए। कुछ गा के
आपके अंदाज में सर क्या गए रोनित सर सर रिक्वेस्ट है कि मैं क्या बोलूं आप कुछ गा के सुनाएं मैं एक ही बात बोलूंगा राव ने वाट लाव ली राव ने सबकी वाट लाव ली सर ये आई एम बोल लूट लो थैंक यू जेंट्स चालू हो रहे शो यहाँ क्या कर रहे हैं मनीष बी रिस्पॉन्सिबल हाँ जी तो क्रिश क्रिश से पूछो क्रिश जी कैसे लग रहा है आपकी फिल्म इतनी बड़ी हुई हिट हो गई कुछ बताइए The way he's worked hard, he deserves all the awards this year and always, we wish him always the best. Thank you. And the energy he has, fantastic. And what luck we have together, what a great combination myself with Eros. First it was Ram Leela, my breakthrough film and now my biggest hit, Bajirao Mastani. I am so happy, hopefully in the coming year also, something. जीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते कभी भी मात दे सकते बस आगे बोलो डायलॉग हो गया डायलॉग गाना डांस आप जो कहेंगे ना करते मल्हारी अरे बजने दे धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क तड़क भड़क जाली चटक मटक वटक जाली दुश्मन की देखो जो एग्जैक्ट आई लव यू मनीष आई लव यू Why are you not being a responsible host? Go and be a duty. You to answer that I can just give you. Oh, आप ये मनीष का खत्म करो मैं कहीं नहीं जा रहा मैं यही हूँ सारी रात first finish Manish's bike then I'm coming back क्योंकि क्योंकि क्या हुआ मैंने डायलॉग बोल दिया और गाना गा लिया अब बचा डांस वो जो ब्रेक के बाद होने वाला है क्योंकि मनीष आज का होस्ट है यहाँ टाइम पास कर रहा है उसको बाइक खत्म कर देने दो ताकि शो शुरू हो सके मनीष ओवर टू यू मेरा बहुत लंबा है कोई नहीं ले टाइम हो जा रहा हूं जहाँ कैमरा है मैं बहुत चिपक जाता हूँ तैयारियां अब हो रही हैं आई हैव डाइव स्ट्रेट इनटू वर्क रीडिंग्स लुक टेस्ट एवरीथिंग इज स्टार्टेड एंड It's very, very exciting. It's a light romance, breezy film. It's going to be a... Yes. That's the genre of the film. It's a light romance. And we're going to shoot it in Paris. As soon as my hair grows out, we'll start shooting. Ab der sirf in baalon ki hai. Aur it feels amazing to be working with Adi sir now in the capacity, in different capacity, that of director and actor. It's always, like I said in that video, it's always been one of my dreams and it's a dream come true to be working under his direction. I started my work on my own and soon Bani will be joining us for prep and I'm very excited about this new pairing and I'm going to hear the music soon and I'm very, very happy to be working on this one. Putting on weight for Oh no, not at all. I also read something. Ranveer has been asked to beef up. It's not true. It's not true. It's gonna be. I'm gonna be lean, mean, and sexy. Actually, Befikre is the only movie I'm doing right now. After Befikre, yes, there are some very exciting prospects. I've been approached for all kinds of films. But I'm still in the process of working out which one is going to be the next one after Befikre. But what I'm very, very truly excited about is the fact that, you know, there's such good scripts and such interesting characters. So I'm really happy. It's getting difficult to choose, but yeah, hopefully I'll be able to do all of them. But first things first, Befikre needs to go on the floors and we need to make good film. So all my energies are focused on
on Befikre right now and enjoying the award season as well. That is true, madam. After Mr. Shah Rukh Khan, I am the only leading man to work under the direction of Aditya Chopra. It's quite cool. The fact that he's the guy who, you know, was the first one who recognized my ability and gave me a break. I said it at an awards function last night. I owe my entire career to the man. I love him to bits. I respect him no end. And he is my mentor, my guru. He's like a father figure to me, like a brother. One of the coolest people I know. And yeah, I think we're going to be great together. I don't know. Right now I'm focusing on Hindi films. There's a lot of good films coming my way, thankfully, with God's grace. And I'd like to focus on the marquee Hindi film projects as of now. I'm very happy for her. Sultan's a big movie. It's a Yash Raj film, and I'm a Yash Raj boy. So yeah, I wish her all the best. I'm interested to see. Haji, please meet most promising debutante Vicky Kaushal, who was unbelievable in Masaan. So proud of unbelievable in Bagheera. Thank you. He's my biggest inspiration. Kitna sexy lag raha munda Haji. So much of love pouring in post Bagheera. How do you handle it? Does it ever scare or overwhelm you? Hello. आपको भी कुछ बोलना है? बोला हेलो पते कौन है हाय ये थोड़ा ऊपर बेटा हाँ हाय किसी जगह फ्लाइंग किसी ओ सारे दिन गाती रहती है तुम्हारी पिक्चर के गाने लेडीज एंड जेंटलमैन शरद कटारिया one of the best, most brightest writing talents of our industry and also the director of Dam Laga Ke Aisha. Hello, hi. Thank you for the introduction. आप भी आ गए? हाँ, तो इनको भगा दिया, मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ. लखानी साहब. Yes, sir. ये हमारे लखानी साहब हैं. योगेश लखानी, Bright Outdoors. सारे होटल के research industry में हैं. सारे होटल. सबके पहले आओ मैं. आओ मैं. ये योगेश लखानी है इन्होंने इंडस्ट्री में सबके होर्डिंग दिए 20 साल से इंडस्ट्री में आमिर खान शाहरुख खान सलमान खान अक्षय कुमार सबके होर्डिंग बहुत लक्की आदमी है बिपाशा बासु को भी पहला होर्डिंग इन्होंने दिया था वो भी सुपर हिट हो गई कैटरीना कैफ का भी इन्होंने दिया था वो भी सुपर हिट हो गई बहुत कमाल आदमी है Awards, we don't qualify, we'll qualify next year. Then, because it's a December release, ka mamla hota hai. Phir kal raat, very special night for me. I shared the award with my screen idol, Mr. Bachchan, best actor in a leading role. It was amazing. What an experience. I can't explain to you what I was feeling. I really can't. It's something I've never felt before, that kind of rush and thrill to be standing there sharing an award with the guy who actually inspired you to be an actor in the first place. An absolutely incredible night. And Mr. Bachchan was so kind, Subhash Ghai was so kind. A really big night for me yesterday, a very, very special honor for me. Lean and sexy. Lean batana tha, sexy to my best. Haan ji. Aage. Yeah,
I asked you post Bajirao, there is so much of outpour of love. Does it overwhelm you, scare you? How